हेलो दोस्तों, क्या आपके गले में बार बार छाले पड़ जाते हैं? क्या आपको गले में इन्फेक्शन होता है? तो इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, वो है बीटाडीन गार्गल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योर फार्मा फ्रेंड आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त देवान सोलंकी। तो आज हम बात करेंगे बीटाडीन गार्गल के बारे में, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसकी साइड इफेक्ट क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है और उसके कौन से सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। बीटाडीन गार्गल का कंटेंट है पोविडोन आयोडीन 2% और वो भी रहता है मिंट फ्लेवर में। बीटाडीन गार्गल के सब्स्टिट्यूट कौन कौन से हैं? सिप्लाडीन गार्गल जो आता है सिप्ला फार्मास्यूटिकल का, बीटा काइन गार्गल जो आता है मैनकाइन फार्मास्यूटिकल्स का, वोकाडीन गार्गल जो आता है वोकार फार्मास्यूटिकल का। बीटाडीन गार्गल की दो स्ट्रेंथ अवेलेबल है, 50 ml एंड 100 ml। 50 ml की MRP है 140 rupees और 100 ml की MRP है 230 rupees। बीटाडीन गार्गल के बेनिफिट्स यानी कि यूजेस क्या है? अगर आपका गला सूख रहा है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। आपके गले में खारापन लग रहा है तो भी आप बीटाडीन गार्गल का इस्तेमाल कर सकते हो। छोटे छोटे माइक्रोब्स की वजह से बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन अगर आपके गले में हो गया है तो भी आप बीटाडीन गार्गल का इस्तेमाल कर सकते हो। टॉन्सिल्स अगर हो गए हो तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और फेरिंजाइटिस यानी कि गले में छाले पड़ना, उस टाइम के दौरान पेशेंट को पानी निकलने में भी दिक्कत रहती है, तो तभी भी बीटाडीन गार्गल का प्रयोग कर सकते हो। डेंटल डॉक्टर प्री और पोस्ट डेंटल सर्जरी के दौरान बीटाडीन गार्गल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीटाडीन गार्गल का इस्तेमाल कैसे करना है? बीटाडीन गार्गल 1:1 है। इसमें जैसे कि बीटाडीन गार्गल आप 5 ml ले रहे हो तो आपको पानी भी 5 ml लेना है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और 30 सेकंड तक आपको गरारे करने हैं। गरारे करने के बाद आधे घंटे तक ना आपको कुछ खाना है ना कुछ पीना है। तो अब हम बात करते हैं बीटाडीन गार्गल के साइड इफेक्ट के बारे में। बीटाडीन गार्गल में ज्यादातर कोई साइड इफेक्ट देखे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी दो मेजर साइड इफेक्ट है, जिसमें है रेडनेस होना, दूसरा है गले में सूजन होना और कभी कभी इचिंग भी आपको गले में होती है। बीटाडीन गार्गल का 14 दिन तक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप कौन से नए प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।